प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। इब्रानियों के पत्र 11 का 5, विश्वासी से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया गया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। विश्वास की शूरवीरों की उस पत्री में अगला व्यक्ति का नाम हानोक है। हानोक के बारे में लिखा है कि विश्वासी से हानोक उठा लिया गया, मृत्यु को नहीं देखा, उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर उसको उठा लिया था। उसको उठाए जाने से पहले उसको परमेश्वर की ओर से उनको गवाही दिया गया कि परमेश्वर उसे प्रसन्न था। उत्पत्ति 5:25, इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्या है गवाही? हानोक के बारे में बोला हुआ गवाही क्या है? 365 साल रहने वाला हानोक के बारे में परमेश्वर ने बोला हुआ गवाही क्या है? वो गवाही यही है, हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हानोक के पास बीवी थे, बच्चे थे, काम थे, परिवार थे, सब कुछ थे, लेकिन तो भी हानोक 365 दिन और 365 साल परमेश्वर के साथ साथ चलता था। एक साल में 52 दिन नहीं, 52 संडेज को नहीं, पूरा 365 दिन हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। बहुत से लोग अपने मर्जी में चल रहा है, बहुत से लोग गलत रास्ता में चल रहे हैं, बहुत से लोग अपने तरीके से चल रहा था, लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर की फेलोशिप में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता में, परमेश्वर से बातचीत करते हुए एक इंटीमेसी करीब रिश्ता में एक व्यक्ति एक पीढ़ी में अपने आयु पूरा परमेश्वर के संग संग चल रहा है और परमेश्वर ने उसको उठा लिया, उसने मृत्यु को नहीं चख लिया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हानोक इस पीढ़ी में हम परमेश्वर के संग संग चलने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला, परमेश्वर के साथ रिश्ता में, स्वर्गीय पिता के साथ रिश्ता में, उससे बातचीत करते हुए उसके संग संग चलने वाला एक मसीही जिंदगी हमारे जीवन में होने पाए। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। शालोम।